आया क्या कुछ? आ गया जीरो, नहीं मूव नहीं कर रहा क्या? हद है, देखिए 5 kg का ब्लॉक है, रैंप पे रखा हुआ है, 37 degree एंगल है, फ्रिक्शन 0.5 है, एजेंट 10 newton लगा रहा है ऊपर की तरफ, पूछा है वर्क डन बताइए वेट के द्वारा, वेट लगेगा इस पे, रिएक्शन एजेंट और फ्रिक्शन, चारों फोर्स के द्वारा किया गया काम कितना है? 2 सेकेंड में, ठीक है ना? पहले तो हमें फ्रिक्शन, तो आपको वेट पता है कितना? 50 newton है कि नहीं? जरा इसका FBD ड्रॉ कीजिए, तो इसका वेट कितना हो गया? 50, रिएक्शन कितना हो गया? N, और एजेंट कितना लगा रहा है? 10, आपको ये 3 forces तो पता है, कौन कौन? वेट, रिएक्शन और फ्रिक्शन, वेट नहीं पता, ये रिएक्शन नहीं पता है, उसको ही पता करेंगे, ये 37 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा? 50 साइन 37, वेट को तोड़ेंगे इधर तो कितना हो जाएगा? 50 साइन 37, और ये इधर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 50 कॉस 37, ये हो गया 0.6 × 50, कितना? 30, सॉरी, हाँ ये 30 हो गया, और ये कितना हो गया? 40, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा ना, तो कितना हो गया? 10 इधर लग रहा है, 20, इसकी वैल्यू 0.2 रखो, ठीक ना, इसकी वैल्यू 0.2 रखो, तो कितना हो गया? 30 इधर, 10 इधर, तो कितना आ गया बोलिए? 10, 50 इधर, 30 इधर और 10 उधर, नेट कितना आ गया? 20, 30 वेट का कंपोनेंट 10, वो 20 आ गया, इधर कितना आ गया? 40, और n कितना आ गया? n ऐसे आ गया। फ्रिक्शन आपको पता नहीं था, आपने 3 forces, वेट, रिएक्शन और एजेंट, तीनों को बना लिया, तीनों को एलांग और एक्रॉस में तोड़ लिया, NF, ठीक है, और 50 को तोड़े हैं ऐसे, तो ये 30 इधर, 10 इधर, नेट कितना आ गया? 20, 40 इधर आ गया, ठीक ना? अच्छा, आपको फ्रिक्शन पता करना है, तो फ्रिक्शन कैसे पता चलेगा? पी को और म्यू एस एन को कंपेयर कीजिए, पी कितना है यहाँ? अप्लाइड फोर्स एलॉन्ग द प्लेन 20, और म्यू एस कितना है? 0.2, एन कितना है? एन कितना है? 40, तो कितना आ गया? 8, पी बड़ा है म्यू एस एन से, केवल जो दिखता है वही फोर्स नहीं होता, mg साइन थीटा भी होता है, ठीक है, तो पी बड़ा है म्यू एस एन से, इसलिए मोशन विल स्टार्ट, मोशन होगा, ठीक ना, मोशन होगा, और इसलिए कितना फ्रिक्शन पैदा होगा? म्यू के एन, यहाँ पे म्यू एस और म्यू के एक ही है, ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? म्यू के एन, म्यू के कितना है? 0.2, एन कितना है? 40, कितना आ गया? 8 newton, ठीक है, 8 newton फ्रिक्शन लग रहा है, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे आप? अब फिर से बनाइए, वेट का कंपोनेंट 40 इधर था, 10 एजेंट लगा रहा था, 8 फ्रिक्शन लग रहा था, 30 वेट का कंपोनेंट इधर था और रिएक्शन इधर था, कोई तकलीफ? कितने फोर्स लग रहे थे? वेट के 2 कंपोनेंट हुए, ये हो गए, रिएक्शन ये हो गया, एजेंट ये हो गया, फ्रिक्शन ये हो गया, है कि नहीं? वाई में सोचिए और एक्स में सोचिए, तो एन तो इसको बैलेंस कर गया, तो एन की वैल्यू तो 30 आ गई, बचा 14 इधर और 18 इधर, तो नेट कितना आ गया? 40 में से इधर हटाइए 30, 30 में से हटाइए 22, 22 न्यूटन, हाँ क्या चीज? अच्छा इधर 30 है, अच्छा इधर 30 है और इधर 40 है, ठीक है, तो कितना आ गया इधर? 30 माइनस 18 कितना हो गया? 12 न्यूटन, और ये कितना हो गया? 40 न्यूटन, और कितना हो गया? रिएक्शन, ये तो इसको बैलेंस कर गया है, ये फोर्स अनबैलेंस रह गया, तो इसलिए एक्सेलरेशन निकाली एलॉन्ग द प्लेन, अक्रॉस द प्लेन एक्सेलरेशन 0 हो गया, और एलॉन्ग द प्लेन फोर्स बाई मास 12 बाई मास कितना है? 5, 2.4 meters per second square, ये आ गया आपका, है कि नहीं? इतना है एक्सेलरेशन, इतना आ गया। एस निकालिए अब, एस इज इक्वल टू 1/2 AT² यू तो 0 था, हाफ हाफ, ए कितना है? 2.4, टी कितना है? 2 square, 2 कट गया, कितना आ गया? 4.8 meters। वापिस अपने पुराने डायग्राम पे जाइए, mg कितना था बोलिए? 50, रिएक्शन n ऐसे था, फ्रिक्शन
एजेंट ऐसे था और फ्रिक्शन कितना लग रहा था ऊपर 8, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ था नीचे, डिस्प्लेसमेंट एस नीचे है, ब्लॉक डाउन द प्लेन चला है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कितने फोर्स लग रहे हैं बॉडी पे, रिएक्शन, वेट, फ्रिक्शन और एजेंट, 4 फोर्स लग रहे हैं, जिसमें शुरू में केवल वेट और एजेंट पता था। आपने वेट को तोड़ा तो उससे रिएक्शन आ गया, और पी और म्यू एस एन को कंपेयर किया तो उससे फ्रिक्शन आ गया। यानी पहला काम यह है कि सारे फोर्सेस को निकाला जाए, फ्रिक्शन जब हो तो उसे निकालना पड़ता है कि कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर इससे सब फ्रिक्शन आ गया, फिर से एफ बी डी बनाए, एक्सेलरेशन निकाले, फिर एस निकाले, अब आप वर्क डन निकालिएगा। वर्क डन बाय रिएक्शन, बाय वेट, बाय एजेंट एंड बाय फ्रिक्शन, ठीक है। बाय रिएक्शन कितना हो गया, एन और एस परपेंडिकुलर है 0, वेट कितना हो गया, ये 37 है तो ये कितना हो गया 53 डिग्री, 50 इंटू एस इंटू कितना कॉस 53, यहाँ एजेंट का कितना हो गया 10 और 4.8, 10 इधर और 4.8 इधर, हाँ कितना -1 इंटू -1 है ना। बाई फ्रिक्शन कितना हो गया, फ्रिक्शन 8 उधर हो गया, हाँ, और एस इधर कितना हो गया 4.8 इंटू क्या -1, ऐसा हो गया है कि नहीं। और यूज कॉस 53 कितना होता है, साइन 37, और ये कितना होता है 0.6, ये सबका वर्क डन आ गया, इतना 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 जूल। बात समझ में आई, यानी जो वर्क निकालने का प्रॉब्लम होता है आपको, जैसे यहाँ पे मतलब दिखते ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपसे सारे फोर्सेस का वर्क डन पूछा है। पहले तो आपको दिखे कि यहाँ कितने फोर्सेस लग रहे हैं, वेट, रिएक्शन, एजेंट और फ्रिक्शन। मुझे एजेंट का फोर्स दिख रहा है 10, वेट दिख रहा है 50, रिएक्शन नहीं पता है कितना होगा, वो वेट को तोड़ के देखना पड़ेगा। वेट का जितना कंपोनेंट एक्रॉस में होगा वही रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन भी आ गया। चलिए फ्रिक्शन के लिए क्या करेंगे, पी और म्यू एस एन निकाले, यानी रिएक्शन पाने के लिए वेट को तोड़े और एक्रॉस वाला ही रिएक्शन हो गया। फ्रिक्शन पाने के लिए पी और म्यू एस एन को कंपेयर किए, और फिर क्या किए, जब फ्रिक्शन आ गया फिर से बॉडी का एफ बी डी ड्रॉ किए, एलॉन्ग एक्रॉस में तोड़े, फिर से एक्सेलरेशन निकाले, अनबैलेंस फोर्स से ही एक्सेलरेशन निकलेगा, ए निकला तो उससे एस निकला और एस निकला तो लास्ट। बात समझे, लिख लीजिए। और यहाँ पर ब्लॉक है 2 kg का, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, ठीक है। स्ट्रिंग मासलेस है, पुली भी स्मूथ है, मासलेस है, आइडियल पुली है, आइडियल पुली और आइडियल स्ट्रिंग दोनों आइडियल है। पुली का मतलब जिसका मास भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब जो इनएक्सटेंसिबल है, फैले नहीं और जिसका मास भी नहीं है, ठीक है।
पूछा है फाइंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस मोमेंट, इट इज रिलीज्ड एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे आपने इसे रिलीज किया। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन एंड बाय वेट ऑन ईच ब्लॉक, दोनों पे टेंशन का और वेट का क्या करिए, हाँ वर्क डन निकालिए, ठीक है। इन फर्स्ट टू सेकेंड्स, इन पहला फर्स्ट टू सेकेंड्स, दूसरा इन थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, थर्ड सेकेंड, तीसरे सेकेंड में, शुरू के दो सेकेंड में। चलिए खैर इसका ए निकाल लेते हैं, ए कितना होता है, थ्री माइनस टू बाई थ्री प्लस टू, एम टू माइनस एम वन बाई एम टू प्लस एम वन इंटू जी, ये तो हो गया वन, नीचे पांच जी कट गया, दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट टू सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो टू टू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, कितना आ गया चार मीटर। डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड कितना होता है, यू प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टू एन माइनस वन, थर्ड सेकेंड में पूछा है यू जीरो था, हाफ ऑफ ए तो टू आ गया, टू इंटू एन माइनस वन कितना आ गया ये पांच मीटर, ठीक है। तो शुरू के दो सेकेंड में चार मीटर चलेगा लेकिन तीसरे सेकेंड में वो पांच मीटर चलेगा, ठीक है। जहां तक बात है लेफ्ट साइड टू के जी है, इसका वेट ट्वेंटी हो गया। अच्छा टेंशन भी निकाल लीजिए, यहां पे टेंशन कितना होगा, टू इंटू एम वन इंटू एम टू, टू एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू इंटू जी, कितना आ गया ये दो हो गया 24 न्यूटन, ठीक है। तो इसका वेट हो गया 20 और वेट हो गया 20 और टेंशन हो गया 24 और राइट वाले के लिए वेट हो गया 30 और टेंशन हो गया 24, है ना। दोनों के लिए टेंशन तो वही होगा, ठीक है। जीरो से टू में अगर निकालना है एस फ्रॉम जीरो टू टू, ये तो ऊपर जाएगा, तो जीरो से दो में, जीरो से टू में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस इज इक्वल टू चार मीटर। तो कितना वर्क हो गया, टेंशन कितना हो गया, क्या वर्क किया, वर्क डन बाई टेंशन कितना हो गया बोलो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ चार मीटर है इसका, इसका नीचे की तरफ चार मीटर है, तो चार इंटू चौबीस वर्क डन बाई टेंशन हो गया 96 जूल। वर्क डन बाई वेट कितना हो गया बताओ, 24 ऊपर, सॉरी वेट 20 नीचे और डिस्प्लेसमेंट 4 ऊपर, इसका एस कितना है 4 है, तो एस ऊपर और डब्ल्यू नीचे माइनस 80 जूल, तो डब्ल्यू नेट कितना आ गया बताइए 16 जूल। ये कहाँ चला गया, नेट वर्क डन इतना हुआ इस पे, अच्छा इस पे क्या हुआ, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की तरफ कितना है 4 मीटर, तो वर्क डन बाई टेंशन कितना हो गया 24 ऊपर और 4 नीचे माइनस 96 जूल, और वर्क डन बाई वेट कितना हो गया 30 और 4 120 जूल, डब्ल्यू नेट कितना आ गया 24 जूल, 24 जूल। तो इस सिस्टम पे इधर तो 24 जूल वर्क हुआ और इधर प्लस 24 इधर 16 जूल, है ना। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ सिस्टम पे, 24 और 16 40 जूल, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना हुआ 40 जूल, ऐसा हो सकता है। इसी तरह हम तीसरे सेकंड में निकाल लेंगे, हो जाएगा ना, अब ये तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना है, फिर इसका 20 नीचे है, इसका टी 24 है, इसका 30 नीचे है, इसका टी 24 है ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, ये टी है, ये डब्ल्यू है, ये टी है और ये डब्ल्यू है ना। अब निकाल लोगे वर्क डन बाई टेंशन कितना हो जाएगा बोलो 120 जूल, वर्क डन बाई वेट कितना हो जाएगा बोलो माइनस 120 जूल, 5 ऊपर 20 नीचे माइनस 100 जूल, यहाँ वर्क डन बाई टेंशन कितना हो जाएगा बोलो 24 ऊपर 5 नीचे माइनस 120 जूल, वर्क डन बाई वेट कितना हो गया बोलो 30 5 150 जूल। अब तुम देखो दोनों जोड़ो, यहाँ पे डब्ल्यू नेट कितना आ गया 20 जूल, यहाँ डब्ल्यू नेट कितना आ गया 30 जूल। तुमसे पूछ सकता है कि तीसरे सेकेंड में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी, तो क्या बोलोगे दोनों जोड़ के 50 जूल। तो तीसरे सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ी 50 जूल, बात समझ में। खैर वो कभी नहीं पूछेगा, वो सब नहीं पूछेगा, सिंपल वर्क डन पूछेगा आपसे इतना, ठीक है।